subscribe to Divine Bansuri YouTube channel and press the bell icon to get notifications about our latest uploads. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका Divine Bansuri YouTube चैनल पे। मेरा नाम है चिरंजीव और आज हम सीखने वाले हैं क्रिश मूवी का जो फ्लूट थीम ट्यून है वो कैसे बजाते हैं। तो चलिए आज इसे सीखते हैं। इसके लिए मैंने एक ई नेचुरल बेस का फ्लूट लिया है और ओरिजिनल जो ट्रैक है, जो थीम फ्लूट का ट्यून है, वो भी ई नेचुरल बेस के फ्लूट में ही बजा हुआ है। और ये पूनम फ्लूट्स ई बेस है। अगर आपको इसको परचेज करना है तो मैंने लिंक प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं बता दूं कि ये फ्लूट जो थीम ट्यून है ये बहुत डिफ़िकल्ट ट्यून है, बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर आप बिगिनर हैं और ई बेस में जस्ट आप बजाना चालू किए तो भी बहुत डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि ये इसमें बहुत सारा टंगिंग का यूज़ हुआ है। स्टार्टिंग से ही वो डबल टंगिंग जो होता है, जो हम लोग तुतकारी बोलते हैं, तुकु तुकु तुकु, वो उसका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है और गमक में भी यूज़ हुआ है। और फास्ट भी बजाना है आपको, फिंगर्स भी फ्री होने चाहिए उस हिसाब से, तभी ये फ्लूट जो ट्यून है वो अच्छे से वो आएगा, वो अच्छे से निकलेगा फ्लूट में। और तो उसको उस हिसाब से एटलीस्ट उस लेवल पे एटलीस्ट थोड़ा फास्ट बजाना आना चाहिए। और टोंगिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ है, टंगिंग जो डबल टोंगिंग, वो एटलीस्ट आप ई बेस में डेढ़ दो साल एटलीस्ट प्रैक्टिस किए होंगे, टंगिंग का भी थोड़ा प्रैक्टिस किए होंगे, तभी ये फ्लूट ट्यून बजा सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो चलिए फिर भी मैं बताऊंगा, जो भी उस लेवल पे है वो एटलीस्ट बजा पाए ये चीज़ को। और सेकेंडली, ये जो ट्यून है ये राग हंस ध्वनि में बेस्ड है। तो राग हंस ध्वनि में सा रे गा पा नी सा होता है आरोह में, और अवरोह में सा नी पा गा रे सा होता है। तो इसमें मा और जो धा स्वर है वो वर्जित रहता है, वो यूज नहीं होता है। तो मतलब नॉर्मली अगर हम लोग स्केल बजाएंगे तो सा रे गा पा नी सा नी पा गा रे सा, तो वो पूरा हंस ध्वनि का ही वो फील आ जाता है, वो स्वर को, स्वर का जो समूह है उसमें। तो चलिए ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग से ही वो फ्लूट का धुन जो है वो ऐसा है, तो ये कैसा है, तो वो पूरा डबल टोंगिंग में यूज हुआ है, तुक तुक तु तुक तुक तु तुक तुक तु तुक तुक तु तुक तुक तु। तो थुक थुक थु थुक तुक तु, ठीक है। स ग स स स ग ग ग ग ग प प प प नि 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 सा नि 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 रे, तो स स स स स स स ग, तो वो पूरा डबल टोंगिंग में आएगा। मैं तो वो डबल टंगिंग में बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं थुकु थुकु थु थुकु थुकु थु सग स स स ग, तो स स स ग ग ग ग प प प प प नी 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 रे। तो उसको थोड़ा अगर फास्ट में बजाएंगे तो तीन बार बजाना है यही कॉम्बिनेशंस को, ये पूरा तीन बार वो चीज बजेगा, ठीक है। उसके बाद वाला जो पार्ट है वो सबसे डिफिकल्ट है, अगर आप उसको सही तरीके से गमक में बजाने का ट्राई करते हैं, क्योंकि वो पूरा गमक से आता है। और अगर नॉर्मली बजाना चाहते हैं, अगर बिगिनर है वो उतना एटलीस्ट उसका फील आए वो भी बजा सकते हैं, तो वो कुछ ऐसा है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ये पार्ट, क्योंकि आप देख रहे हैं वो फ्लूट मतलब वो जो स्वर है वो गमक में भी आ रहा है और वो फास्ट गमक में आ रहा है, तो उसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नॉर्मली वो बजाना चाहते हैं, वो स्वर क्या है,
गा गा रे सानी सानी पानी पानी पा गा रे सा। मेन मेन जो उसका फीलिंग आता है वो गमक से आ रहा है। देखिए तो देखिए कितना फास्ट बज रहा है वो जो कॉम्बिनेशन है। और वो कैसे आएगा, गा जब बजेगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सा से आएगा, सा के कर्ण से आएगा। सगा रे सा पूरा खींच के वो गा में जा रहा है। डायरेक्ट नहीं बज रहा, डायरेक्ट भी बजा सकते हैं लेकिन उसका जो ओरिजिनल फील है वो सा से आ रहा है पूरा। तो अगर गमक से बजाना चाहते हैं तो वो कैसा आ रहा है, सगा रे सा। गमक का आपका अगर प्रैक्टिस है तो उसको धीरे धीरे बजाइए। मुझे भी बहुत टाइम लगा था इस फ्लूट ट्यून को मास्टर करने के लिए और उसको उसमें कमांड लाने के लिए। तो गा रे सा जब भी मैं बोल रहा हूं तो सा से ले रहा हूं, गा रे सा नी। तो जब सा कर रहे हैं, सानी पानी पा गा पा गा रे सा सानी पानी पा, तो सा नॉर्मली आप बजा सकते हैं उसमें। सा में आप मींड का मतलब गमक से नहीं करने से भी चलेगा। तो सानी मैं डायरेक्ट सा बजा रहा हूं और वो टंग से भी आ रहा है। देखिए सागा रे सा, रे में एक टंग फिर सा में एक टंग। तो ये पार्ट देखिए कितना कितना डिफिकल्ट भी है और कितना अच्छा भी लगता है सुनने। बहुत बहुत डिफिकल्ट है वो, एक साथ बजाने में मास्टर करने में बहुत टाइम लगेगा। तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। तो गारे सा गमक से रे सानी रे सानी सानी पानी पागा। तो साने पाने पा वो भी गमक से आ रहा है। साने पाने पा, तो नॉर्मली अगर आप बजाएंगे साने पाने पा गा पा गा रे सा गा पा गा रे सा जो लास्ट में हो रहा है वो भी गमक से आ रहा है। गा पा गा रे सा, ठीक है वो भी गमक से आ रहा है। लेकिन अगर आप पूरा बिगिनर हैं तो उसको आप नॉर्मली भी बजा सकते हैं, जैसे तो ये भी तीन बार बजता है। देखिए ये मैंने अभी सिंपल में बजाया, अभी वही चीज गमक में। तो लास्ट में सारे एंड होगा, गारे सारे सानी सानी पानी पागा पागा रे सा गारे सारे सानी सानी गारे सारे सानी सानी पानी सन पानी पागा पागा रे सा गारे सारे सानी सानी पानी पानी पागा पागा रे सारे सारे। ठीक है, आई थिंक इतना एक्सप्लेनेशन आपको हेल्पफुल हो रहा है। सारे ठीक है, उसके बाद सानी सा आनी सा। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर है ये चीज़। ये पार्ट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, अगर आप गमक में बजाना चाहते हैं तो बहुत डिफिकल्ट है। नॉर्मल आप स्वर बजाएंगे तो थोड़ा इजी पड़ेगा, लेकिन मैं अगर बिगिनर आप हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि नॉर्मली आप बजाएं फिर उसको गमक में भी ट्राई करें। गमक का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इस चीज को बजाने के लिए परफेक्टली। उसके बाद सरे नी सा, उसके बाद जो म्यूजिक आता है
तो ये चीज बहुत बहुत दिल को छूने वाला ट्यून है ये, बहुत मुझे बहुत ज्यादा फेवरेट है मेरा ये चीज। तो ये कैसा, रे गा 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 टंग से, वो कैसा है बहुत, ये ऐसा धुने की सारा चीज एक साथ बज रहा है, कहीं पे भी कुछ पॉज नहीं है, कहीं पे कुछ ठहराव नहीं है। तो वो चीज प्रैक्टिस में ही वो करके वो परफेक्ट बनाया जा सकता है उसको। रे गा 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 पा पा सा नी सा नी सा पानी गा गा पा, रे गा 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 पा सा नी सा पानी गा पा। तो कितना कितना क्विकली वो दो बार फिर बज रहा है, तो क्विकली पूरा वो मतलब गपा रेगा गा गा पानी सानी सानी पा पानी गपा रेगा रेगा गपा रेगा पूरा गपा रेगा गा गा पानी सानी सानी पानी सानी सानी पानी गपा। तो ये देखिए, ये भी पार्ट बहुत डिफिकल्ट है, ये जो अलंकार पैटर्न टाइप का थोड़ा बन रहा है उसको सही तरीके से बजेगा नहीं तो वो स्वर ऊपर नीचे होगा, कभी मंद्र सप्तक कभी तार सप्तक बज जा रहा है, आपका श्वास का उतना कंट्रोल होना चाहिए कि डायरेक्टली वो तार सप्तक का नोट हिट हो रहा है। तो मैं एक साथ अगर बजाऊं, दो बार बजेगा उसके बाद सारे रे रे गानी गा से नी गानी पानी पानी गा पा रे गा। गानी गानी नी सारे रे रे गानी गानी पानी पानी गा पा रे गा। तो स्वर क्या है, स रे गा 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 पानी सा पा सा नी सा नी सा पानी गा पा रे गा 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 पा सा नी सा पानी गा पा सारे रे रे गानी पानी पानी गा पा रे गा। तो उसके बाद उसका जो पैटर्न आता है, तो आपको समझ में आ गया आई थिंक वो जो पैटर्न है उसको भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया, आप धीरे धीरे वो नोट को देखिए, स्क्रीन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा उसको, और प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद भी क्विकली वो जो टंगिंग वाला पार्ट है वो आएगा। Thank you.
कैसा है? थुकु थुकु थुकु, एक में दो बार थुकु 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 थुकु, तो वो कैसा है? थुकु 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 निनी सा रे रे सा रे रे गागा पापा पा गागा पापा निनी पानी सा रे गा, पूरा गा में पूरा वो हाई नोट अच्छे से लगेगा। तो वो कैसा है अच्छे से वो मैं बताता हूँ। इतना आपको आई थिंक समझ में आ गया, वो अलंकार टाइप का बन रहा है वो। नी सा रे सा रे गा रे गा पा गा पानी, ठीक है गा पानी। तो वो वही चीज अलंकार जो उसका बन रहा है उसमें वो डबल टंगिंग यूज हुआ है। थुकु 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 थुकु। तो वो लास्ट पार्ट कैसे मैं बताता हूँ। तो इतना आपको आई थिंक समझ में आ गया। उसको फास्ट बजाना है, फिर इसलिए मैं बोल रहा हूँ टंगिंग पूरा और इसका बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना। नीनी सा सा रे रे सा 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 रे रे गागा रे रे गागा पापा गागा पापा नीनी थुकु थु थुकु थु थुकु थु, पूरा वो ब्लोइंग में आएगा थुकु थु थु, वो गा में थु होगा मतलब। रेगा रे में टंग पड़ेगा और वो गा में जाएगा मींड से। गा पानी सारे थुक थु, तो थुक थु, थु, तो रेगा रेगा पा, ऊपर वाला पा पूरा तार सप्तक वाला पा। रेगा पा रेगा, तो थुक थुक रेगा रेगा पा रेगा रेगा पा रे रे, जो रे आएगा वो गा से आएगा मींड से। सा ने ने सा नी नी जो होगा वो भी मींड से होगा, ने ने सा से वो मींड में होगा। तो बहुत डिफिकल्ट है वो, हाई पिच में आपका भी कंट्रोल होना चाहिए, मतलब कहीं पे ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो क्लियरली सुनाई देना। ने ने सा पानी पानी सारे गरेगा पा पानी सारे गरेगा पा रेगा, फिर से वही चीज। गर रेगा पा रेगा रेगा पा रे रे जब आएगा तो वो गा से आएगा। फिर से वही चीज, थोड़ा एक और उसमें टंगिंग आता है जैसे कि वो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो वो चीज भी है, पानी पा सा नी सा पानी गा पा।
तो वो चीज़ फिर कंटिन्यू होगा। तो मतलब देखिए कितना ये मिलके सब स्वर बज रहा है, तो एक एक सेक्शन को क्लियर कीजिए, उसके बाद वो जोड़िए दूसरे सेक्शन के साथ, उसके बाद वो परफेक्ट होगा। तो वहाँ पे थोड़ा स्वर जो है बहुत स्लो कर दिया गया है, बट आप अगर अच्छे से सुनेंगे ओरिजिनल ट्रैक में तो वो कुछ समथिंग लाइक ऐसा, ऐसा कुछ मेन टाइप का है, इतना आप नहीं बजाएंगे तो भी चलेगा, इतना भी आप एंड कर सकते हैं। तो ये था पूरा कंप्लीट लेसन। तो आपने देखा कि कितना डिफिकल्ट है ये चीज़ बजाना, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये जो स्वर है सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट, और मोस्टली सारे जो फ्रेजेज हैं डिफिकल्ट हैं, बट मैं सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट यही फ्रेज मानता हूँ। तो ये अगर गमक में बजाएंगे तो डिफिकल्ट है, नॉर्मली आप बजाएंगे तो नॉर्मली बजा लेंगे, अगर आप गमक में बजाएंगे तो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकॉन को जरूर दबाएगा सो दैट मैं ऐसे जो भी वीडियोज अपलोड करता हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और मुझे फॉलो कर सकते हैं आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। कुछ आपको कुछ पूछना है तो इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का ज़रूर ट्राई करूँगा। तो फिर से धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो पे।